सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट, GDMO और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होने जा रही है। 10वीं 12वीं पास, डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, काउंसलर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, अकाउंट्स पर्सनल, डाटा मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, FTMO और GDMO। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 221 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास GNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर या फिर कोई अन्य मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आयु सीमा आपकी 40, 60 और 63 साल मैक्सिमम पोस्ट वाइज रखी गई है, जो कि आप नोटिस से भी चेक कर सकते हो। सैलरी आपको 7,500 से 40,000 के बीच में पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 50 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप कैश में डिपॉजिट करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है north24paragons.gov.in। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2020 है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस उसी एडवर्टाइजमेंट में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन से प्लेस पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। साथ ही साथ आप सैलरी की पूरी डिटेल भी यहाँ से चेक कर सकते हो। इस प्रकार से आप पूरी डिटेल इस भर्ती से रिलेटेड इस एडवर्टाइजमेंट में से 1x1 करके चेक कर सकते हो। और पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको इसी एडवर्टाइजमेंट में ही प्रोवाइड कराया गया है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक्यूरेट वे में फिलअप करना है और इसे लास्ट डेट से पहले पहले ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।